अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तू मेरा नाम ना लिया, बेगम सरवा कहा कर। यार जिनको नहीं पता वो मुझे तुम्हारा नौकर समझेंगे। आपके हालात हमसे भी बुरे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि नौकरो। लो ऐसे मालिक हो ना तो हम नौकरी भले। दुआ करो मम्मी आ रही है, तुम्हें देखकर उनका मूड ऑफ ना हो जाए। शेफो तारे जमीन पर ले आओ या चांद पे चले जाओ, लेकिन किसी तरह मेरी मम्मी को मुतासिर करो। रेखा एक क्रीम लगाती है जहर बेमिसाल। तू वो पंडित जिसका नाम सुपोले राम है, आज का लाहौर आया हुआ है। मम्मी से मेरी सेटिंग हो गई है, बहुत जल्द मम्मी अपना सारा कारोबार मेरे हवाले करके। जहर बेमिसाल, नागन के दूध की खासियत लिए हुए। ये देखो क्या हाल कर दिया इसने। सोना न चांदी न कोई महल जाने वन, तुझको मैं दे सकूंगा। मुझे ना पहले ही पता क्या गरीब आज कुछ नहीं दे सकता। वो छोड़ परे, तुझे मैं कम से कम धोखा तो दे सकता हूँ। जावेद एक गल्ला छाड़, मैं ना बड़ी परेशान। वो हुआ क्या है? हमारी ना किस्मत फूटी हुई। तो नई किस्मत ले ले। पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ। पहले दो कम थे कि अब बड़ी बेगम साहबा भी इधर आ गई। हाँ, बात तो तू ठीक कर रही है, एक नंबर की कंजूस औरत है ये। बंदा किसी वक्त इंसान खुश होके नौकरों को पेपशिप ही दे देता है, लेकिन ये तो इतने कंजूस है। मुझे लगता है ये काम हम करेंगे और टिप भी ये हम इनसे लेंगे। एक काम ना दस दस दफा कराती है। मुझे कह रही थी हमारे गांव में ना नुकरानियां मालकिनों की मालिश भी कर देती हैं। अब बता भला मैं तुझे मालशन लगती हूँ? नहीं तू मालशन नहीं है, लेकिन तेरा अब्बा तो मालशी था ना, कितनी अच्छी चंपी करता था। तर्रा तो कर देनी थी ना मालिश। कोई चज की गल ना करे, वैसे बंदा मालिश कर भी देता है अगर दो पैसों का आसरा ही हो तो। तो फिर क्या हुआ? फिर पता क्या हुआ, मैंने कहा मेरे हाथ की हड्डी सड़की हुई है, बड़ा ही बुरा सा मुंह बनाया। और ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनमें विटामिन के बहुत ज्यादा होता है। हैं? विटामिन के? ये क्या होता है भला? विटामिन के कंजूसी, कंजूसी इनमें कूट कूट के भरे होते। ले फिर तो और राज्य के है विटामिन के। वैसे एक तरकीब है बेगम साहबा से पैसे ढीले करवाने की। है? वो क्या बोला? उसमें तेरा रोल बहुत अहम है। अच्छा फिर बता ना भाई। ये पहले भाई निकाल, निकाल भाई। ओहो अच्छा ना, बता आपो सही। हाँ जरा प्यार से भी बंदा कह रहे। हाँ बता भी दे। आती क्या बात है तुम्हारी, दुबई लगी हुई है। खूब नाश्ता वास्ता उड़ाया जा रहा है ससुराल के पैसों पे, खूब ऐश हो रही है। काम का न काज का दुश्मन है नाच का। अम्मी जी मेरा मतलब है मैडम जी, इंसान काम का करके थक जाता हूँ, फ्रेश होने की भी जरूरत होती है। वो तुम करते क्या हो जो तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत पड़ती है? सारा दिन तुम बेकार रहते हो, क्या करते हो बताओ? आपको बर्दाश्त करना किसी पावर से कम ना करो। मैं कह रहा था कि आपकी बेटी को संभालना भी तो काम है ना, वही रहता रहता हूँ। ना जाने इसके अब्बा ने तुम में क्या देखा, हमारे मथे मार के चला गया है। तुम बात कही का धनी क्या नजर आया था इसमें? सुसर अब्बा को तो मुझ में शराफत नजर आई थी, इसलिए उन्होंने ये किया। शराफत? और तुम्हें? अब तुम शराफत से उठ जाओ और जाके ड्रेस नहीं करो, काम बहुत पड़ा है।
हर वक्त खाते रहते। तू मर गया तो मैं मर गया। हाँ अभी ट्रेन के ऊपर से जब मैं शहजादे हेलो हाँ जी अम्मी जी, मैंने आपको बताना था मैंने ना वो फरीदा से शादी कर ली है। वो बहुत अच्छी लड़की है अम्मी जी। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी हाँ जी, मैं नहीं मैं चाहता हूँ वही आपकी बहू बने। हाँ क्या परवीस से? मैंने परवीस से शादी नहीं करनी, उसके सर में जुए पड़ी हुई है। हाँ जी आओ, मैंने ना फरीदा से शादी को बहुत खूबसूरत है और मैंने नासरा से नहीं करनी ना। नासरा मुझे डीजी चाय पिलाती रहती है, नहीं मैंने नहीं करनी। वो फरीदा जो है ना बड़ी खूबसूरत है और उसकी तो गुद भी ऐसे है जैसे सपरी है सपरी। मुझे कई मरतबा डर लगा रहा था कि उसकी गुद मुझे डांग ना मार। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। वो मेरी अम्मी गूंगी है। ना तो झूठ बोलता है। पिछली दफा तूने कहा मेरी अम्मी कह रही थी आते हुए नानक पाइयां लेता है, कितना तो झूठा है। उस वक्त तक वो गूंगी नहीं थी। अरे कोई काम की गल भी करी कर। ये ले काम की बात कर लेते हैं। अब जो मैंने वो तेरी ड्यूटी लगाई थी ना शर्फू वाले काम की, देख फरीदा अब ये गेम सारी तेरे हाथ में है। अब तूने देखना कि क्या कर। ठीक देख तो मैं कैसा फिरा तुझे। अब वो ही निकलवाएगा अपनी कंजूस पे ऐसे। अरे ये कंजूस लोग जो होते हैं ये बड़े मतलबी होते हैं, ये अपने मतलब के लिए पैसे ढीले कर देते हैं। कहता तो तू ठीक है, अब ये ना सारा काम शर्फे पे है कि वो कैसे चक्कर देता है अपनी। तू उसको चक्कर दे शर्फो को ताकि वो तेरी बातों में आए और सास से पैसे निकलवाए। टेंशन ना ले, देखता जा मैं कैसे चक्कर दे दूँ। हाँ ये तो मुझे पता है कि तू चक्कर बहुत बुरा देती है। कर दी ना फजूल बात। क्या हुआ शर्फू? मुझे ना तेरी हालत देखकर बड़ा ही अफसोस होता है। ना मेरी हालत को क्या हुआ? अपनी हालत पे तरस खा, रोज बरोज तेरा हाल जो है ना वो बदहाल ही होता जा रहा है। हुआ क्या है? घर के मालिकों की डस्टिंग कर रहे, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। घर के काम करने में क्या शर्म? तुम्हें ना अपनी इज्जत का ना जरा सा भी ख्याल नहीं है। क्या हुआ मेरी इज्जत को, क्या करूँ मैं? हिम्मत कर, कुछ करके दिखा ताकि ना बड़ी बेगम साहबा का ना दिल जीत सके। हाँ क्या करूं, एक नंबर की मगरूर औरत है वो, मुझसे तो वैसे ही नफरत करती हैं, कैसे दिल जीतूं? हिम्मत करोगे ना तो दिल जीत लोगे। हाँ कैसे पता भी तो चले ना। रहने दे, बड़ा मुश्किल है बड़ी बेगम साहबा का ना दिल जीतना। अब बड़ी हिम्मत है मुझ में, बता मुझे क्या करना है। कर लेगा पक्का? ओ, कर लूंगा। अच्छा तो सुन फिर। हाँ मालिक के बराबर ही पहनगी ना। कोई नहीं यार भी तो है ना। अच्छा झूठ बोले बगैर मुझे सब सच बता कर, जिस बंदे सारी जिंदगी जीन पर गुजरी हो वो एक मिनट के लिए सच क्या बोले। लेकिन अभी तुमने सच बता ले, क्या ये सच है कि शेख अबू गुफा या बिन सलमान इब्ने जर्जर 1 लाख के ऊपर 1 करोड़ रुपए की कमेटी दे रहे? पहले ये बताओ इतना बड़ा आपने नाम लिया है, इतने लंबे लंबे अरबी होते? वे अरबी तो होते ही लंबे लंबे। बड़े बड़े कप देखेंगे। अब ये बताओ ये सच है कि नहीं? लेकिन आप भी ये बताओ आपका 1 लाख कमेटी के साथ क्या वास्ता है? आपके पास 10 रुपये ले
मैंने कौन सी कमेटी डालनी है? तो पूछ क्यों रहे हैं? मेरी सास मिसेस बजाज ने कमेटी डाली। वो कैसे? जब मैं उन्हें बताऊंगा कि 1 लाख के ऊपर, सिर्फ 1 लाख के ऊपर 1 करोड़ मिल रहा है, देखना कैसे डाले। हंस क्यों रहे हो? मैंने लतीफा सुनाया। लतीफा ही है बेगम साहबा, अब तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी। ओए वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम जाके बस बात करो। तो फिर आप बेगम साहबा से बात तो कर लो ना। वो मैं पूछ लूंगा, पहले मैं खुद बात करूंगा फिर मैडम से बात कर दो। अरबी से बात मैं करूंगा, वो 5 स्टार के अलावा किसी को मिलते नहीं है। 5 स्टार में पर कोई टेंशन वाले यार, तेरी औकात नहीं है 5 स्टार वाली, लेकिन तेरा ये यार तो है ना, हम दोस्त तो है ना। मैं तेरी खातिर उसको यहाँ पे ले आऊंगा। तो की बात है। चलो चल, प्लीज ने उसे लेके अभी लेके अभी सभी। अच्छा अच्छा, जो काम कर रहे हैं मैं फोन करो ऐसे काम कर। आज जरा हम अमीरों की तरह बैठेंगे। हाँ जी, जैसे मियां बीवी बैठ के चाय पीते हैं, इधर बेगम साहबा और मालक बैठते हैं ना, आज हम भी अमीर बन के बैठेंगे। जरा चल चाय पकड़। वो तो कॉफी पीते हैं ना। हाँ। मैं जरा कॉफी पीता हूँ, तू चाय पी ले बात। आज मुझे 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 50 करोड़ नहीं थे वो, 50 रुपए थे। ओ वो 50 रुपए का ही है, लेकिन ये जाहिर करना है ना कि कारोबार में 50 करोड़ अमीर लोग, ठीक है ना बेगम? ये हम ये सारे जो मुलाजम हैं इन सबको निकाल के खुद ना काम किया करें। मेरा मतलब क्या, अभी अंदर का नौकर नहीं ना मरा। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। फजूल बातें ही करता रहा, काम की बात नहीं होती दर्द। काम की बात कर, काम की। चलो काम की बात कर लेते हैं, तुझे दाद भी देनी इस बात की। किस बात की भला? जो तूने मेरे प्लान के तहत काम किया है, देख लो शर्फू ने पहन ली ना टोपी। हाँ कहना तो तू ठीक है, पर ये जो बड़ी बेगम साहबा है ना, ये ना पूरी जोक है, मुझे नहीं लगता मानेगी। ये अब शर्फू पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सास को कैसे चक्कर में लेता है। हालांकि उसने मुझे कहा था कि पहले उस बंदे से मिलवाओ फिर मैं बात करूंगा। मिलवा देना। तो मिलवा देंगे। हाँ। तो कौन सी बात है। हाँ। चलो ठीक है बेगम। क्या है यार, तो मुझे ये बता जरा, तेरे दिमाग में कुछ सॉफ्टनेस चीज जैसी कोई चीज है, या तेरा दिमाग कोई औरतों वाला है, या तुझे दूध दही की दुकान डाल दूं? जब प्यार की बात करो हर वक्त लड़ती रहती है। या हबीबी अंत शेखुल हबीब, 15-20 तेल दे कुएं परल तू, बड़ा पाइप समंदर जो सुट तुन विचो सब कु तेल दा कुआं पर तुन अंत हबीबी शेखुल हबीब। अंत वेटुन वेटुन पाकिस्तानी गरीब आए तुन तू वेटुन तुन अंत खली टमाटर फली। आपसे मिलके हमें खुशी मिली। ये क्या बोल रहा है, मेरा स्टूडेंट था, आप खुद पूछ ले। अना इसवन की आवन तुन पंजाबी बोल रहा है। ओ यार ये इंटरनेशनल आदमी है, इसको पश्तो भी आती है, सिंधी भी आती है, सरायकी भी आती है। उन्हें गा के बखा दे चिट्टा चोला सिमेंदर जी। हाँ अच्छा, हाजा शेख, सुना कि आप 1 लाख पे 1 करोड़ की कमेटी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लानी तुन तू पाड़ी तुन 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 तुन। हाँ बिल्कुल लेती तुन, क्यों नहीं तुन। हाँ तुन पूरे करोड़ पे तुन। अना इधर क्या घास खा ले आते, हाजा कमेटी नहीं लेती। ओ शेख साहब, इसकी सास बहुत ऊंची फ्लाइट होती तुन। अना वड़ा चुत्या रहा तुन अल बहरिल आसमान। या जेदे ये क्या कह रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ कह रहा है। मैं ना की करण तुन। बस जी आप इसके पैसे कमेटी में डलवा दो तुन। हाँ जी निकालो पैसे तुन। मैं अपनी सास से जाके पैसे लाता तुन। दमिश में वकाल अला मंतीलू का मिनल जपो का वो मिनल तिलल तिला।
तुम हमको दियो तुम फिर हम जाती तुन। अभी पैसे लाता तुम, इतनी तशरीफ रखा तुन तुन तुना तुन तुन। जल्दी करो तुन, मैं भी जाना तुन, मैं हुणे आया तुन, तो तुसी खाओ पियो तुन। या शेफा, ये पाकिस्तानी गरीब तुन के रख तुन के रख। जेदे, वो शर्फू की मुलाकात करवा दी थी फिर? हाँ करवा दी है। थे? तो फिर क्या आ बना? वो शर्फू कह रहा था कि मैंने ना बेगम साहबा से ना शेख साहब की मुलाकात करवानी है। हाँ पर वो बेगम साहबा ने कोई नया कट्टा खोल दिया ना तो सारे का सारा प्लान जो है ना तो सत्यानाश हो जाना है, बता रही हूँ मैं। ओ ये जो लालच होती है ना ये सबसे बड़ी ताकत होती है, बस तू देखती जा। जरा मेरी तरफ भी देख। क्या है? यार मेरे अल्लाह, ओ तुझे सिर्फ गुस्सा ही चढ़ा होता, कभी प्यार से भी बात कर लिया कर। नहीं करनी प्यार से बात? नहीं। जा फिर मेरी जान छोड़, कहीं और नौकरी कर ले या मैं चला जाता हूँ, पीछा छोड़ मेरा, ना नजर आएगी ना मैं कोई ऐसी बात करूंगा, कभी मैंने बात नहीं करनी तेरे से। अच्छा ना जेते, छोड़ना लड़ाई की बात। अच्छा हाँ, अब कितनी देर बाद फिर लड़ना है? 2 दिन बाद। नहीं तू तो हर कदम पे लड़ने वाली है, 2 दिन कैसे निकालेगी? ये ले जी गर्मा गर्म चाय। कितने पैसे चाहिए? यार ये जरूरी है, जब भी मैं तुम्हारी खिदमत करूं तो मुझे कोई काम होगा, कोई मतलब होगा, कोई पैसे चाहिए होंगे। तारीख में तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो बेगम साहिबा आज से मैं तारीख बदलने जा रहा हूं। कम टू द पॉइंट। देखो तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी अम्मी मुझसे मुतासर हो और वो मेरी इज्जत करे। तुम्हारी हरकतों से ऐसा नहीं लगता, छोड़ो इस बात को, ये नामुमकिन है। देखो अभी वो मुझे रास नहीं आ रही, लेकिन कभी तो रास आएंगी ना, कभी तो मैं उन्हें मुतासर करूंगा ना, आखिर वो मेरी जान की अम्मी जान है। अच्छा बताओ अब क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैडम जो है ना वो एक बजट कमेटी में हिस्सा डाले। इसमें तुम्हारा क्या फायदा? अम्मी को इस कमेटी से बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और वो रकम अपने कारोबार में इन्वेस्ट करके उसे डबल कर सकती हैं और फिर उनकी नजरों में मेरी इज्जत तो बढ़ेगी ना। ये कितने की कमेटी है और कितने मिलेंगे? अम्मी को जरूरत तो है कारोबार में इन्वेस्ट करने की, लेकिन वो सूद पर लेना नहीं चाहती। ये कितने पैसे मिलेंगे? सिर्फ 1 लाख। 1 लाख देना है और 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ लाख पे। ये तो अच्छी खासी रकम है, ये मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी? मैं अम्मी को बताऊंगा, कमेटी डालेंगी, 1 करोड़ रुपया लेंगे, मिलेगी क्यों नहीं? तो बताओ ना। थोड़ी चाय पी लूं पहले, चलो चलो चाय। ओहो चाय बाद में पी लेना, पहले बताओ उन्हें। अच्छा तुम्हारे साथ बैठ के कभी कभी तो मौका मिलता है चाय पीने का, पी लो तुम भी पी लो। मैं बता के आता हूँ। जल्दी जाओ। अल्लाह करे ये पैसों वाला काम हो जाए, मेरे मियाँ की कोई इज्जत बन जाए घर में। मैडम जी क्या है? एक बात करनी है। बको। आप कहती है ना मैं नकारा हूं, न खट्टू, कोई काम नहीं करता। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दिलवा सकता हूं, वो भी बगैर सूद के, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तुमने कोई सस्ता सा नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? पहले क्या कसर थी तुमने? आप मेरी बात तो सुने, पूरा प्लान है। अच्छा तो अब तुम प्लान भी करने लगे हो? हाँ जी। ये कोई फ्रॉड ही होगा। पहले आप सुन तो ले। हाँ हाँ बोलो बताओ। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दिलवा दूं बिला सूद तो कैसा रहेगा? बेवकूफ आदमी, कौन सा बैंक है जो बिला सूद पैसे देता है? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? और अगर
शरफुद्दीन दिलवा दे तो? कौन सा हवाई किला है बताओ तो जरा। और अगर ये बात झूठ हुई तो सारे घर के कपड़े तुम धोगे, समझे? पहले आप सुने तो सही। एक इंटरनेशनल बजट कमेटी है, 1,00,000 पे 1 करोड़ मिलेंगे। 1,00,000 पर 1 करोड़? मगर ये इंटरनेशनल कमेटी डाल कौन रहा है और तुम कैसे जानते हो? मैडम जी, मैं इतना नकम्मा भी नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। 4-5 लोग मेरे भी जानने वाले हैं। कमेटी ना एक शेख डाल रहा है और दुनिया के कारोबारी लोग ना इस कमेटी में हिस्सा डाल रहे हैं। ये तो बताओ जरा, कौन है ये शेख और वो ये काम क्यों कर रहा है? शेख का नाम है शेख अबू यूसुफ या बिन सलमान इब्ने जलजल। बस आप आम खाए, पेड़ ना गिने। ऐसे कैसे ना पेड़ गिनो, कोई मजाक थोड़े ही है। पहले शेख को बुलाओ, फिर दूंगी 1,00,000 रुपया। वो तो 5-स्टार होटल में ही सबको मिलता है। भाई मैं कुछ नहीं जानती, पहले उसको बुलाओ, मुझसे मीटिंग करवाओ। अगर बात मेरी समझ में आ गई तब मैं हिस्सा डालूंगी इस कमेटी में। ओके, आप जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी अच्छा। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। क्या बकवास कर रहा है, हम जिंदा लोगों को अहलल कबूर कह रहे हैं? मैडम जी, वो अहलल कबूर के या अहलल हयात के, अब हमारा काम फंसा हुआ है, सुनती जाए। आलू ला टिंडे ला तोरी ला अर्जनू। क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। हो गई शाम, गिर गया दाम, बोलो काम। या शेखा जरा इधर वेखा, ये बड़ी बेगम साहिबा हैं, ये कमेटी डालना चाहती हैं। अल्लाह मिनल कमेटी लख, कमेटी लख दी ते सवा लख लख दी। बिल्कुल सही कहा है, लख लख दी। लख दे पे करोड़ मिलती, बकिया धीरे धीरे महीना भी देते। अब वो कह रहे हैं 1,00,000 रुपया देंगी तो करोड़ रुपया धीरे धीरे जरा जिंदगी में आना। हाँ मगर मेरी एक शर्त है। अमा अदर कश्मीर आजाद करवाती, जो शर्त लगवाती। अना फिल बगलोन। हाँ बस मेरी एक शर्त है, मैंने बोल दी। अना भक्ति मिनल शरू। शर्त ये है कि पहली कमेटी मैं लूंगी। हाँ जी। अंत मुश्किल काम पर हो सकते, लाख देती। कह रहे जी मुश्किल काम है लेकिन मैं कर दूंगा, 1,00,000 रुपया आप लेके आए। कमेटी मिलेगी कब? अना दुबई जाती, पैसा जमा करती, वापस आती, तुमको देती, 15 दिन लगते। ठीक है, आज तो है 15 तारीख, मैं कमेटी ला देती हूँ। तो तुम कब आओगे? अना मिनल यकम को आती, यानी 1 तारीख को आती, रोकड़ा देती। ए, उप, पहली कहने के लिए इतनी लंबी तकरीर की है। ठीक है, मैं कमेटी लेकर आती हूँ। जी जी, कमेटी लेके। या शेख, अगर मैं 10 रुपए की कमेटी डालूं तो कितने पैसे मिलेंगे? ओ मेनू याद आ तेरिया उंगलियां ने, ओए मेनू याद आ। ओए हाय, ये कौन करेगा? इस पानी को नीचे उतारो पहले। हाय देखो ना अल्लाह मियां, क्या बात है, जब पेटी भाई मालक बन जाए तो फिर ऐसे ही होता है। और बातें नहीं करो, सफाई करो। अच्छा जी, करता हूँ जनाब। ये मरे हुए हाथों से ऐसे पकड़ते हैं, यूं करके ये जोर लगा के आए आए आए, ऐसे जरा पूरे घर में मार। आप दर्जनों मारूं मैं, पकड़ो। वो ये सीन है शर्फू भाई, वजह क्या है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे मैडम जी, आप मेरी बड़ी इज्जत करती हैं। जाहिर है जी, किसी वक्त बंदे की मात भी तो बची जाती है। मात नहीं बची, मेरी मेहनत। हाँ हिम्मत मेरी। क्या मतलब, मैंने उनका मसला हल कराया, अब उनका कारोबार चल पड़ा है। आए 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 आए। अच्छा आ, तो अब बेगम साहबा किधर है? सब्जी लेने खुद गई है। हाँ सब्जी, सब्जी लेने वो सब्जी, अब मैं नहीं जाता, वो जाती है, वो ही जाएंगी अब। इधर आ, इधर आ, इधर आ शर्फू। ओए शेख मेरे वाला। ओए तेरा शर्फू का बच्चा इधर आ।
था? जी जी जी, मैं पास ही खड़ा था। मैं जो तूने अरबी शेख है ना, ये तुम्हारा अरबी शेख जिसको कहा था, ये मार्केट में सब्जी बेचता है। आलू ले किने ले तो आज ना अभी ले तब हो जा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी।